उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में विगत कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न दो योजनाओं में जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मनरेगा, मनरेगा इंजीनियर, खेल विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस हाउसिंग विभाग, मोबाइल स्रोत सलाहकार, वाटरशेड, आयुष विभाग, कृषि विभाग, शहरी आजीविका मिशन जैसी आदि योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारी अपना बहुमूल्य समय इन योजनाओं को सफल बनाने में लगाया है। साथ ही माननीय आपके ट्विटर हैंडल दिनांक 1 अप्रैल 2018 द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि संविदा की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, मैं शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूँ। माननीय आपके द्वारा संविदा की इस शोषण व्यवस्था को समाप्त करने हेतु संकल्प लिया गया था, लेकिन माननीय आपके द्वारा आज तक नियमितकरण नहीं किया गया है। जी बताइए, आज जो ज्ञापन दे रहे हैं किस संबंध में? मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी जो निरंतर लगे हुए हैं उनके लिए संविदा संयुक्त मंच मध्य प्रदेश द्वारा, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन है, के द्वारा विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कलेक्टर महोदय को हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1/4/2018 को जो उनने ट्विटर हैंडल पर जो लिखा गया था कि हमारे द्वारा जो संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, संविदा एक अभिशाप है, तो उसको हम याद दिलाते हुए नियमितीकरण के लिए ये ज्ञापन। कितने लोग आए यहाँ पर? अभी हम लोग आ रहे हैं करीब 30-40-50 लोग हैं, और अभी और लोग आ रहे हैं। वही योजना। क्या नाम है आपका? कितना? मेरा नाम हरीश माथुर है, मैं संयोजक हूँ, जिला संयोजक।